देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। अमौर प्रखंड क्षेत्र के पोठिया गंगैली पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बंदे नगर उत्तर टोला तरोना के प्रभारी प्रधान अध्यापक के द्वारा मनमानी के कारण बराबर विद्यालय बंद रखने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर अभिभावकों में काफी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय महीने में 10 दिन चलता है और मध्याह्न भोजन भी नहीं खिलाया जाता है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि इनका मनमानी चरम सीमा तक है, कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। वर्ग 2 एवं 3 के बच्चे चंद्रेश कुमार, गुलशन कुमार, राजन कुमार ने बताया कि हम लोगों को भोजन नहीं दिया जाता है और विद्यालय बराबर बंद रहता है। हम लोग प्रत्येक दिन विद्यालय से लौट कर चले जाते हैं। साथ ही अभिभावकों ने बताया हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इनके मनमानी के कारण इस विद्यालय की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कौन सा स्कूल है? बंदे नगर का है। टीचर आज हैं क्या? आज मास्टर आया है? नहीं आया। कब से, कितना दिन से नहीं आया? लगभग मतलब बच्चे की पढ़ाई हो रही है आपको? क्या नाम है मास्टर का? नाम है आपका? कौन सा जगह है ये? कौन स्कूल है? बंदे नगर स्कूल है। यहाँ कब से टीचर नहीं आ रहे हैं? सरस्वती पूजा के बाद से टीचर नहीं आए हैं। कितने मतलब आप लोग का बच्चे का जो है, कोई बच्चा पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे? आप कुछ नहीं, मतलब सरस्वती पूजा से पढ़ाई बाधित है? बंदे नगर उत्तर टोल तरोना। अच्छा, क्या है आप इस स्कूल में? रसोईया है। आज स्कूल बंद है? आज मास्टर आज नहीं है। कितने दिन आता है मास्टर महीने में? महीने में से रखिए 15 रोज 10 रोज, किसी महीना में किसी महीना में 15 रोज। तो यही 15, कितने रोज आप खाना बनाते हैं? खाना जब आता है तो बन ही जाता है। वही मतलब कितने दिन लगभग महीना में एक्स्ट्रा औसत? महीना में 15-20 यही होता है बस। तो ये मतलब कितने दिन से अभी टीचर नहीं आए आपके? परसों आया था, परसों खाना नहीं बना था, इसके बाद कल नहीं आया, आज नहीं आया। क्या नाम है शिक्षक का? दीपक कुमार। तो कितने रसोईया आप लोग हैं यहाँ? दो है। दो रसोईया है। तो बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है? बस बच्चा जितना आता है तो बैठ करके रहता है, पढ़ाई जो भी होता है होता है, हम लोग तो पढ़ाई रोक रहे हैं। आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ।